लाइट नहीं है, लाइट मारना लाइट तो मिल रही है लेकिन उधर Guys, we are doing the aarti. मंदिर में बैठो सब लोग प्लीज, सबको बुला ले, नानी को एक के दिखा दे मोबाइल ही
Gracias.
स्माइल प्लीज All of us, let's say once, Ganpati Bappa Moriya. One more time, Ganpati Bappa Moriya. Super. Thank you. Sir. Hello. 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 या तो इस साइड या वहाँ से दो मिनट आ जाना वहाँ पे खड़े हो खत्म हो के आते रेडी जी. सबसे पहले तो गणपति बप्पा की ढेरों सारी शुभकामनाएं. बप्पा का आगमन कब हुआ एंड कब आज उनका विसर्जन का टाइम हो गया हमें ये पता भी नहीं चल रहा. पता ही नहीं पड़ता. सो आज ये 31वां साल हो गया. मैं हर साल आता 31वां हाँ पिछले साल 30 था मैं आया था और इस बार 30 ये मेरा 16वां हो गया. वाओ मेरा खुश रहे. बहुत बहुत मुबारक. थैंक यू. पापा के इस मौके पर आज उनकी विदाई है. क्या कहेंगे आप एंड क्या कुछ कहना चाहेंगे इसमें? साल भर जिनका इंतजार करते हैं वैसे पापा हमारे कब आते हैं और कब जाने की तैयारी होती है ये हमें पता नहीं पड़ता. मैंने हमेशा 31 साल एक ही भावना रखी है मन में और सोचा है कि ऐसे लगता है कि जैसे नील का छोटा भाई विदेश से कहीं पढ़ते हुए यहाँ आया है 10 दिन की छुट्टी पर और 10 दिन की छुट्टी के बाद साल भर के लिए अगर चला जाए तो आप सोच सकते हो कि एक पिता की क्या भावना होगी. आज थोड़ी उदासी हम सब में है मगर ये खुशी है कि हमें बहुत आशीर्वादों से भरकर हमारे जीवन को अनुग्रहित कर बापा फिर से अगले साल वापस आएंगे. बिल्कुल नील जी पूरी फैमिली मैं देखता हूँ एनर्जेटिक रहती है. ये पूरे जितने दिन बापा रहते हैं 11-12 दिन जितने भी दिन क्या कैसे घर में ये किस तरह का माहौल होता है कुछ बताना चाहेंगे आप? मानिए नहीं बस आज सुबह मेरी बात हो रही थी रुक्मिणी से मेरी बीवी से और मैंने उनसे कहा कि अगर ये कुछ और होता अगर शूटिंग होती और 10 दिन लगातार शूट करना होता और इस पैमाने पे जहाँ सुबह से लेके शाम तक अगर यू नो एंटरटेन करना होता बात करनी होती और लोगों से उन्हें यू नो हमारे घर में अगर यू नो उनका स्वीकार करना होता उनका आगमन करना होता तो शायद थकान बहुत होती अगर शूट होता पर 10 दिनों में हम जितनी भी बप्पा की सेवा करते हैं थकान महसूस होती ही नहीं है. इतनी एनर्जी होती है. हाँ अब 10 दिन ख़त्म होंगे उनका विसर्जन होगा और कल से शायद एक हफ्ता ऐसी थकान लगेगी और ऐसी मायूसी होगी कि घर सोना सोना लगेगा. मेहमान आते हैं जैसे घर में बट ये तो हमारे घर के परिवार के हिस्सा हैं और वो वापस 10 दिन आए यहाँ पर इतनी रौनक लगाई जैसे पापा ने कहा कि बोर्डिंग स्कूल से आए हैं और बोर्डिंग स्कूल से वापस अब जा रहे हैं जो तो ऑब्वियसली बहुत यू नो भारी दिल हो तो रहा है बट अब मैं जानता हूँ कि प्रोसेशन के समय मम्मी और पापा बहुत नाराज़ होंगे बट मालूम है कि अगले साल फिर बप्पा आएंगे और यही रौनक होगी. बिल्कुल मैं जब भी आता हूँ इस घर में हर एक साल यहाँ की डेकोरेशन दुगनी है मुझे दिखाई देती जी. है इस बार भी देख रहा हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल है. थैंक यू. आपका इसका पूरा श्रेय मैं अपनी माँ को दूंगा. हर साल बप्पा का विसर्जन होता है और अगले दिन से वो प्लानिंग शुरू कर देती हैं कि अगले साल क्या करेंगे बट हर साल कहीं ना कहीं एक हम थीम अपने दिमाग में रखते हैं. मम्मी भी जब प्लान करती हैं अपने एक थीम अपने दिमाग में रखती है जैसे पिछले साल 30 साल हो चुके थे तो पर्ल एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट किया बप्पा का. इस साल नमन मेरे छोटे भाई की शादी है नवंबर में
और उम्मीद कर रहे हैं कि राजस्थान में हो, उदयपुर में हो, जहाँ मेरी शादी हुई। तो जैसे आपने अगर डेकोर देखा होगा तो पूरा राजस्थानी डेकोर, अंदर भी बप्पा की पूरी जो सजावट थी राजस्थानी थीम पर थी, उनके अंगवस्त्र घर पे बनते हैं और उस पर भी एक डोली बनी हुई है, एक बारात बनी हुई है और एक घोड़ी भी है जिसपे एक दूल्हा भी है। और जितना आप श्रृंगार उनका देखते हैं, मेरे पिताजी करते हैं, उनका मुकुट वृंदावन से आता है, मेरी बहन कानपुर से, कानपुर में भी आई हैं, वहाँ पे वो वृंदावन से बना के यहाँ भिजवाती हैं। तो हर साल जो है हर फैमिली मेम्बर का कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन रहता है। मेरा लिमिट किया गया है सिर्फ मिठाई चखने में तो मेरा वहाँ तक का कंट्रीब्यूशन है। बट बहुत खुश हूँ कि हमारे परिवार में नूरवी भी आई 6 साल पहले। अब आप देख रहे हैं कि नूरवी भी कैसे जोर शोर से इन 10 दिन के सेलिब्रेशंस को कैसे इंजॉय करती है। और अब नमन की शादी है तो त्रिशोना जो नमन की फियांसे हैं वो भी इस परिवार का हिस्सा बनने जा रही है। रुक्मिणी तो है ही, तो उम्मीद कर रहे हैं कि परिवार भी ऐसे बढ़ते रहें और हमारे लिए ये 10 दिन छोटे होते रहें और हम और इन उम्मीद से और भावना से इनकी सेवा करते रहें। और आई होप कि आपके घर में इसी तरह खुशियाँ बढ़ती हमारी नूरवी ये शर्मा रहा है बताते हुए, पता नहीं क्यों नूरवी का जन्म 6 साल पहले गणपति के दिनों में ही हुआ था, एकादशी वाली तिथि पे। तो अब सबसे खुशी की बात ये होगी कि आजीवन गणपति के इन 10 दिनों में एकादशी वाले दिन हम नूरवी का जन्मदिन मनाएंगे। उसका नाम रखा गया नूरवी, लता दीदी ने एक भजन गाया था, सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची नूरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची। तो उसमें से नूरवी, हमने उसका नाम नूरवी न से रखना चाहते थे तो बापा ने ही नाम रखा उसका। और बापा की उपस्थिति हमारे जीवन के हर क्षण में हर कदम पर होती है, रहती है। बिल्कुल। एंड जो आपको जिम्मेदारी दी गई थी, कौन कौन से प्रकार की मिठाई आपने चखी है ना? मैंने शायद 2-4 किलो पहले ही कम घटा लिए थे क्योंकि मैं प्रिपेयर था कि इन 10 दिनों में मैं अगर कुछ डाइट का यहाँ पे मांगूँ तो लड़ाइयाँ हो जाएंगी। बस हर दिन एक नया किस्म का एक प्रसाद बनता है हमारे घर में ही, हम कभी भी बाहर से प्रसाद मंगाते नहीं, हम घर पे ही हर दिन उनका भोग लगाते हैं और प्रसाद जो है जो चढ़ाते हैं हम और जो हम अपने दोस्तों में और हमारे परिवार के सदस्यों में बांटते हैं, तो वो घर पे हमारे महाराज जी हैं जो वो बनाते हैं। तो मेरा सबसे पसंदीदा जो है वो खोपरा पाक है, बट ऑब्वियसली मोदक बनते हैं, लड्डू बनते हैं। कल एक उन्होंने एक मिक्स फ्रूट की एक मिठाई बनाई जो अब तक मैं खाए जा रहा हूँ। ये अपने आप को दिलासा दे रहा हूँ कि मिक्स फ्रूट है तो शायद यू नो इट्स हेल्दी ऑल्सो, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स होंगे उसमें, अंजीर है, खजूर है। बट आई थिंक कहीं ना कहीं ये पच जाता है अच्छे से, ये सिस्टम में शायद दिखता नहीं है। अब जैसे कहा कि 10 दिन बाद सब दिखना शुरू होगा। नील की दादी गुजरातन थी, मेरी माँ गुजरातन थी, तो मोहन थाल और मगज ज़रूर बनता है भगवान के लिए जी। तो अब बप्पा का विसर्जन का वक्त आ गया जी। हम सभी को बुरा तो लगता है लेकिन अब धीरे धीरे आदत सी पड़ जाएगी। एंड इसके बाद अब क्योंकि मैं देख रहा हूँ काफ़ी फिट लग रहे हैं आप जी, क्या कुछ पाइपलाइन में है अगर कुछ? जी हाँ, एक बहुत ही अच्छी एक फिल्म कंप्लीट कर चुका हूँ मैं, और जिसके बारे में अनफॉर्चुनेटली आजकल ट्रेंड बन गया है कि स्टूडियो वाले आपसे पहले ही लिखवा देते हैं कि आप अपनी फिल्म के बारे में कुछ बता नहीं सकते, तो लोगों को लगता है कि शायद काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम बता नहीं पा रहे कि हम कर क्या रहे हैं। तो वो है, बट पहले ही दिन हम लोगों ने मेरा ही पहली वेब शो, तो फिल्म के अलावा एक वेब शो मैंने हाल ही में कंप्लीट की है, जैकलिन फर्नांडिस, बमन ईरानी जी, सिद्धार्थ निगम, सुमेध और बहुत सारे उम्दा कलाकार हैं उस शो में। उसका नाम है गोट्स और जियो क्रिएटिव लैब के आदित्य भट्ट जी ने इस को लिखा है, अभिषेक शर्मा जी इस फिल्म के इस शो के निर्देशक हैं, सागर ठक्कर जी जो हैं प्रोड्यूसर हैं और जियो स्टूडियोज़
की ये प्रोडक्शन है होंगी। तो बस उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी को पसंद आए। बहुत ही अलग किरदार है मेरा इस वाले में। रोमांटिक होगा जी? हाँ, म्यूज़िकल है। म्यूज़िकल है जी हाँ, मेरा भी म्यूज़िकल है। और क्योंकि मैं एक म्यूज़िक लेगेसी को बिलोंग करता हूँ, मेरे दादाजी मेरे पिताजी आप जानते हैं मशहूर प्लेबैक सिंगर्स हैं, तो कहीं ना कहीं मेरा मन था कि मैं कुछ म्यूज़िक से जुड़ा हुआ मैं कुछ कर पाऊँ। और मैं खुद पियानिस्ट हूँ, पियानो बजाता हूँ, तो उम्मीद तो थी मगर खोज भी थी कि कुछ अगर OTT पे आ रहा है कुछ तो कुछ अपनी ऑडियंस के लिए कुछ नया लेकर आऊँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो मार धाड़ वाली फिल्में देख चुके हैं, थ्रिलर्स मेरे से देख चुके हैं, और ऑफर्स जो आते रहते थे उस समय तो थ्रिलर्स ही थे। तो पहला वाला कम से कम मुझे ये था उम्मीद कि मैं उनके सामने कुछ नया लेकर आऊँ, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आए। लास्टली माने की डैडी की कुछ झलक दिखेगी इस म्यूजिशियन जो आप हैं, किरदार करने वाले आप? मेरी प्रेरणा और मेरा इंस्पिरेशन तो मेरे पिताजी ही हमेशा यू नो म्यूज़िक को लेकर, और मेरी लाइफ में मैं हमेशा अपने पिताजी को ही अपनी प्रेरणा मानता हूँ। इनफैक्ट जितनी भी अगर मुझे गाइडेंस मिली हो इस इंडस्ट्री के बारे में जानना या कैसे काम करना या कहाँ और किस कम उम्र में शुरुआत करना, मैं अपने पिताजी को अपना गुरु मानता हूँ उस पॉइंट से। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी है ज़िंदगी में, और मैं उनका हमेशा आभारी रहूँगा उस पॉइंट से। बट मगर ज़रूर इतना कहना चाहूँगा कि सॉरी भाई नमस्ते कहना चाहूँगा। हाँ जी सो नहीं, बट आई एम सेइंग कि मैं ज़रूर इतना कहना चाहूँगा कि इस शो में इस किरदार के पास जब ये किरदार मेरे पास आया तो पहला जो फ़ोन कॉल गया वो मेरे पिताजी को था, और मैंने उनसे कहा कि म्यूज़िकल है और इसके एक्सप्रेशंस, इसका कैरेक्टर, इसका जितना भी मुझे आइडिएशन करना होगा और इसकी स्टडी करनी होगी वो मुझे आपके साथ ही करना होगा, आप ही को देखकर करना होगा, और आपको मुझे हर पॉइंट पे करेक्ट करना होगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो पर्दे पे दर्शाया है इन्हें भी ठीक लगे, क्योंकि म्यूज़िकल है तो डर लगता है, इसलिए अभी तक तो अपना म्यूज़िक डेब्यू किया नहीं है, बट बहुत जल्द वो भी होगा। बट आधे समय तो डर लगता है कि जब आपके पिताजी और आपके दादाजी इतने इलस्ट्रियस सिंगर्स हैं तो आप भी कैसे उस चीज़ को हैंडल करें। हाँ जी चलिए जाते हैं। मेरे लिए मेरा बेटा सर्वश्रेष्ठ है, और चूंकि मेरा बेटा है इसलिए नहीं, वाकई सर्वश्रेष्ठ है, बहुत उम्दा अभिनेता है, और जो किरदार इसने वेरीड रोल्स किए हैं उसमें हमेशा सबसे अनोखा रहा है, और मुझे बहुत गर्व होता है मेरे बच्चे पे। क्या बात है, थैंक यू। चलिए तो गणपति पप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, ये मैं भेजता हूँ आपको।